हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बनाने में बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा रहे, जब आप इसे इंस्टेंट बना के खा सकते हैं। इसके अंदर चेरी का फ्लेवर रहने वाला है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ पे गेहूं की ब्रेड ली है 10। आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड के ब्राउन कलर के सारे कॉर्नर काट लेना है। मैंने यहाँ पे सारे कॉर्नर काट लिए है। बेकिंग पाउडर लेना है थोड़ा सा, 7 से 8 चम्मच फुल क्रीम दूध, गुलाब जामुन तलने के लिए घी, थोड़े से चेरी, गुलाब जामुन सजाने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, बादाम और पिस्ता, इलायची का पाउडर चाहिए। मैंने 5 इलायची का पाउडर यहाँ पे बना लिया है, 1.5 कप चीनी, 2 कप पानी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुगर सिरप बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टोव पे कढ़ाई रख दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी और 1.5 कप चीनी। इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसे बॉईल होने देंगे ताकि जो चीनी है पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए। चीनी यहाँ पे अच्छी तरह से घुल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे लो हीट पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। चीनी यहाँ पे बॉईल हो रही, जब तक हम क्या करेंगे, ब्रेड का डो बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये जो ब्रेड है उसे इस तरह से सारे टुकड़े कर लेना है ब्रेड के। मैंने यहाँ पे ब्रेड के सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे, ऐसा थोड़ा सा, सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसे ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे अपना ब्रेड कम रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा ही डालना है, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे गूंदना शुरू करेंगे। दूध एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। मैंने यहाँ पे 7 से 8 चम्मच तक दूध का यूज़ किया है। दूध हमेशा फुल क्रीम ही रहनी चाहिए, क्योंकि फुल क्रीम दूध रहने से गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगाया ताकि गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट बने और ये जो आटा है हाथों पे चिपके नहीं, गेहूं का जो डो है वो हाथों पे चिपके नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है। आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से ऐसा बना लेना है। अब मैं चेक कर रही हूँ ताकि गुलाब जामुन अच्छे बन रहे या नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक किया है। यहाँ पे भी सिरप अच्छे से बॉईल हो चुका है। सिरप हमेशा एक ताराने तक अच्छे से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे अपना सिरप रेडी हो चुका है, ठीक हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम गुलाब जामुन बनाने के लिए शुरू करेंगे। ऐसे छोटा एक बॉल ले लेना है। अब हम इसके अंदर चेरी डाल के इसे राउंड बना लेंगे, इसका गुलाब जामुन बना लेंगे। चेरी डालने के बाद इसके ऊपर से ऐसा मुँह पैक कर लेना है। थोड़ा सा हाथों पर हम घी लगा लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं और गुलाब जामुन भी अच्छे से बन जाए। इस तरह से बना लेना है। मैं और एक गुलाब जामुन बना के दिखा रही। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऐसा जो किशमिश है इसके अंदर डाल के बना सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है यहाँ पे। अगर आपके पास किशमिश और चेरी नहीं रही तो आप ऐसे भी बना सकते। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। अगर आपको चेरी बहुत पसंद है खाना तो आप इसके अंदर ज़्यादा चेरी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चेरी डाली है। इसे डालने के बाद इसके ऊपर का मुंह हम बंद कर देंगे और इसे राउंड शेप में अच्छे से गोल कर लेंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। यहाँ पे अपने सारे गुलाब जामुन बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे तलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे, घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, तेल में भी इसे तल सकते हैं। मैंने घी में तले हैं क्योंकि गुलाब जामुन घी में बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, लो हीट पे इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। गुलाब जामुन हमेशा लो हीट पे ही फ्राई करना है, हाई हीट पे नहीं।
हाइट पे अगर आप गुलाब जामुन फ्राई करेंगे उससे क्या होता है, गुलाब जामुन अंदर कच्चे रहेंगे और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। इसे लो हीट पे इसे राउंड राउंड करके गोल्डन ब्राउन आने तक इसे अच्छे से तल लेना है। यहाँ पे आपके गुलाब जामुन तल के रेडी हो चुके। अब हम इसे किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। मैंने इसी तरह से सारे गुलाब जामुन तल के रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे शुगर सिरप के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। अपना शुगर सिरप रेडी हो चुका है। इसे 2 घंटे तक आप इसे इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, पर हम यहाँ पे इंस्टेंट गुलाब जामुन बना रहे इसलिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर सारे गुलाब जामुन डाल दिए हो। अब हम इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे लो हीट पे। 3 से 4 मिनट तक इसे हम ऐसे ही लो हीट पे बॉईल होने देंगे। शुगर सिरप है इसके अंदर अच्छे से चला जाए। 3 से 4 मिनट तक इसे ऐसे बॉईल करने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। स्टोव ऑफ करके यहाँ पे अपने गुलाब जामुन रेडी हो चुके, सॉफ्ट हो चुके। मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था। आप यहाँ पे देख सकते ये जो शुगर सिरप है गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से चला गया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। अब हम इसके ऊपर बादाम और पिस्ता डाल के थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। थोड़ी सी चेरी डाल देंगे। यहाँ पे अपने गुलाब जामुन रेडी हो चुके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।